प्रथम वर्षा प्रथम सत्र के कक्षा में आप सभी को मनपूर्वक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित दिल्ली में एक मौत इस कहानी की कहानीकार हैं कमलेश्वर। तो बीती कक्षा में आपने देखा किस प्रकार कोरलबाग दिल्ली की कोरलबाग का मशहूर बिजनेसमैन सेठ दीवान चंद का इरविन अस्पताल में बीती रात में उनका देहांत हुआ है। अखबार न्यूज़पेपर में कमलेश्वर पढ़ते हैं सुबह 9 बजे उनका अंतिम दाह है। तो आर्य समाज रोड कुंज कुइया शमशान में उनका अंतिम संस्कार का इंतजाम किया गया है। तो आपने बीती कक्षा में देखा सरदार जी मिस्टर वासवानी मिसेज वासवानी अतुल ममानी वे ऐसे रेडी होकर आए हैं किसी की शादी में शरीक होने जा रहे हैं या किसी फंक्शन में जाने लगे हैं। तो इस प्रकार अतुल ममानी सरदार जी मिसेज वासवानी को देखकर इशारा करते हैं। तो ऐसे सर्द सुबह में उसका चेहरा खिला हुआ है, ऐसे खूबसूरत लगने लगी हैं। तो कमलेश्वर जी सब नोटिस करते हैं, सब देखते हैं। तो ये लोग क्या अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं, किसी के पार्टी में शरीक होने के लिए जा रहे हैं। तो देखा आपने छात्रों, सरदार जी धीरे से ममानी को आंखों का इशारा करके सीटी बजाने लगता है मिसेज वासवानी को देखकर। तो बीती कक्षा में हम यहाँ निरंतर से यहां तक देखे थे, तो आज के कक्षा में निरंतरात्मक आगे बढ़ेंगे। तो देखिए लोग क्या अंतिम राह के लिए जाते हैं या किसी पार्टी में। आरती आप सड़क पर ठीक मेरे कमरे के नीचे है, उसके साथ कुछ आदमी है। कमलेश्वर बताते हैं जैसे कोरलबाग से बिजनेसमैन से दीवान चंद के आर्थी आर्य समाज की रोड से आगे बढ़ती हुई उनके कमरे के सामने है और कुछ ही आदमी है उसके अंदर। ज्यादातर उस आर्थी में अंतिम संस्कार में ज्यादातर लोग नहीं है, कुछ ही लोग हैं। एक दो उसके पीछे कारें भी हैं जैसे फोर व्हीलर गाड़ियां, कार के अंदर भी कुछ लोग बैठी दिखाई देने लगे हैं। धीरे धीरे रेंग रही हैं, लोग बातें में मशगूल हैं। कुछ लोग शरीक हैं आरती के अंदर, तो धीरे धीरे लोग आगे बढ़ने लगे हैं। कुछ लोग अपने बातों में मशगूल हैं, कुछ दो कारों में बैठे हुए लोग उस आरती के पीछे दिखाई देता है कमलेश्वर जी को। मिसेज वासवानी जुड़े से फूल लगाते हुए नीचे उतरती हैं। मिसेज वासवानी जड़े को फूल लगाते हुए रेडी होकर ऊपर से नीचे उतर कर आती हैं। तो सरदार जी अपने जेब का रुमाल ठीक करने लगते हैं। तो देखिए मिसेज वासवानी जड़े को फूल लगाते हुए ऊपर से नीचे आती है, सरदार जी अपनी जेब से रुमाल निकालकर नीट करने लगते हैं। और इसमें पहले ही लोग बाहर जाए वासवानी मुझसे पूछता है। तो ये लोग अभी निकलने से पहले अतुल ममानी सरदार जी मिसेज वासवानी निकलने से पहले मिस्टर वासवानी मुझे पूछते हैं, आप नहीं चल रहे साहब? कमलेश्वर जी को मिस्टर वासवानी पूछता है, आप नहीं चल रहे साहब? आप चलिए मैं भी आ रहा हूं। तो मैंने कहा आप चलिए मैं भी आ रहा हूं। मैं कहता हूं पर दूसरे क्षण मुझे लगता है कि उसने मुझे कहां चलने को कह रहा है। तो मैंने कहा आप चलिए साहब मैं भी आऊंगा। तो दूसरे क्षण मुझे ऐसा महसूस हुआ क्या मिस्टर वासवानी मुझे कहीं चलने के लिए कह रहा है। मैं अभी खड़ा सोच रहा हूं कि चारों घर के बाहर हो जाते ही। तो अभी भी मैं खड़ा सोच रहा हूं ये लोग कहां जा रहे हैं। तो देखिये सरदार जी मिसेज वासवानी मिस्टर वासवानी और अतुल ममानी ये चारों लोग घर से निकलकर चले जाते हैं। आरती कुछ और आगे निकल गई है, आरती कुछ आगे निकल गई, एक कार के पीछे से आती है आरती के पास धीमी आती है। आरती कुछ आगे निकल गई, एक कार स्पीड से आती है और धीमी हो जाती है, पीछे से आती है और आरती के पास स्लो होती है। चलाने वाले साहब शव यात्रा में पैदल चलने वाले एक आदमी से कुछ बात करते हैं। जो कार चलाने लगा है व्यक्ति, जो धीमे स्लो ही है कार,
कार चलाने वाला व्यक्ति नहीं जो पैदल चलने व्यक्ति से कुछ बातें करता है, कार सर से आगे बढ़ जाती है। उसने पैदल चलने वाले व्यक्ति से कुछ पूछता है और क्या करता है, कार साइड लेकर सर कर आगे निकल जाती है। आरती के साथ पीछे जाने वाले दोनों कारें भी उसी कार के पीछे सरसराती भी चली जाती हैं। आरती के साथ जो पीछे चल रही थी दो कारें, वो कार के पीछे दोनों कारें भी साइड होकर आगे निकल जाती हैं। मिसेज वासवानी और तीनों लोग टैक्सी स्टैंड की ओर जा रहे हैं। मिसेज वासवानी, सरदार जी, मिस्टर वासवानी और अतुल मवानी, ये चारों क्या टैक्सी के स्टैंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन्हें देखता रहता हूं, ये चारों लोग टैक्सी स्टैंड की तरफ जाने लगे हैं, मैंने उन्हें देखता रह गया। मिसेज वासवानी ने फर कॉलर डाल रखा है, चाहे सरदार जी अपने चमड़े के दास्तानों ने दे रहा है या दिखाई दे रहा है, तो मिसेज वासवानी को सरदार जी कुछ देने का संकेत मुझे दूर से दिखाई देता है। तो कहानीकार बताते हैं, टैक्सी ड्राइवर आगे बैठकर दरवाजा खोलता है और वे चारों टैक्सी में बैठकर चले जाते हैं। टैक्सी स्टैंड के पास जाते हैं, टैक्सी का ड्राइवर दरवाजा खोलता है, डोर खोलता है, तो चारों लोग टैक्सी में बैठते हैं और चले जाते हैं। अब टैक्सी इधर ही आ रही है, उसमें खिलखिलाने की आवाज मुझे सुनाई पड़ती है। टैक्सी स्टैंड में टैक्सी में बैठते हैं चारों लोग और टैक्सी इधर आती है, चारों लोग खिलखिलाने की आवाज आती है। वासवानी आगे सड़क पर जाता आरती की ओर इशारा करते हुए ड्राइवर को कुछ बताने लगा, तो वासवानी टैक्सी में से जो आरती जाने लगी, आरती की ओर संकेत करते हुए ड्राइवर से कुछ कहने लगा है। मैं चुपचाप खड़ा सब दृश्य देख रहा हूं। कमलेश्वर जी बताते हैं, मैं खड़ा हुआ पूरा दृश्य नजारा मैं देख रहा हूं। न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे भी शामिल हो ही जाना चाहिए। तो मुझे महसूस होने लगा, चारों लोग तो चले गए, कुछ गाड़ियां चली गई, कुछ लोग शव यात्रा में शामिल हुए हैं, तो मुझे महसूस होने लगा है सिर्फ दीवान चंद के शव यात्रा में मुझे भी शामिल होना चाहिए। कमलेश्वर को भी महसूस होता है, उनके लड़के से मेरी खास जान पहचान है, दीवान चंद के बेटे से मेरी बहुत जान पहचान है, मुझे भी उसमें शरीक होना है। ऐसे मौके पर तो दुश्मन का साथ भी दिया जाता है। तो देखिए, शादी के वक्त और अंतिम दाह के वक्त अगर कोई दुश्मन होता है तो भी शरीक होते हैं। कोई दुश्मन हो, जितना भी बड़ा दुश्मन हो, अंतिम संस्कार में शरीक होते हैं। तो अगर ये तो उनका दीवान चंद का, तो उनका बेटा तो मेरे जान पहचान वाला है, मुझे भी उसके अंदर अंतिम संस्कार में शरीक होना है, लड़के से मेरी खास पहचान है। ऐसे मौके पर तो दुश्मन का साथ दिया जाता है, सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है। कमलेश्वर को सर्दी कोहरा मचा हुआ है, सर्दी बहुत है दिल्ली में, इसीलिए उनका मन पीछे हटने लगा है। मन ही मन में कहा, शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर कूंच रही है, लेकिन उनके दिल में दर्द होने लगा है, मुझे भी शव यात्रा में शामिल होना है, लेकिन वो सर्दी के मारे वो पीछे हटने लगे हैं, जो मिस्टर कमलेश्वर जी। उन चारों को टैक्सी आरती के पास धीमी होती है, मवानी गर्दन निकाल कर कुछ कहता है और दाहिने से रास्ता काटते हुए टैक्सी आगे बढ़ जाती है। तो देखिए, आरती के पास से जब टैक्सी गुजरने लगती है, टैक्सी से सर निकाल कर मवानी, अतुल मवानी किसी से बातें करता है और इन चारों लोग बैठे हुए टैक्सी साइड मारकर आगे निकल जाती है। मुझे धक्का सा लगता है और मैंने ओवर कोट पहनकर चप्पलें डालकर नीचे उतर आता हूं। ऊपर छत पर खड़े हुए दृश्य देख रहे हैं कमलेश्वर जी, तो मैं भी ओवर कोट पहनकर और जूते पहनकर मैं भी नीचे उतर आया। मुझे मेरे कदम अपने आप आरती के पास पहुंचा देते, मैं चुपचाप पीछे पीछे चलने लगता हूं।
तो मैंने ओवरकोट पहना, चप्पल पहन कर मैंने नीचे आया। उन लोगों के साथ मेरे कदम उन आरतियों के कदम की ओर मुझे ले जाने लगे। मैं भी आरती के अंदर शरीक हुआ। चार आदमी कंधे दिए हुए और सात आदमी साथ चल रहे हैं। देखिए कुछ 11 लोग आरती के अंदर शरीक हैं, चार लोगों ने कंधा दिया है, सात लोग उसके पीछे हैं। सातवां मैं ही हूं, कमलेश्वर जी बताते हैं। तो कमलेश्वर शरीक होने से पहले 10 लोग थे, चार लोग कंधा दिए हैं, 6 लोग पीछे हैं, जो सातवां व्यक्ति मैं हूं। और मैं सोच रहा हूं कि आदमी के मरते कितना फर्क पड़ जाता है। पिछले साल दीवान चंद ने अपनी लड़की की शादी में तो हजारों की भीड़ थी। तो देखिए इंसान दीवान चंद जो मरने से कितना अकेला हो गया। पिछले साल उनके कोरलबाग में उनकी बेटी की इतनी धूमधाम से शादी हो गई, हजारों लोग उसके अंदर शरीक थे, लेकिन आज दीवान चंद की आरती में केवल 11 लोग। मुझे ऐसा पीड़ा होने लगा सोचकर। कोर्टों के बाहर कारों की लाइन लगी हुई थी। तो देखिए जहां शादी का हॉल था वहां हजारों की तादाद में लोग, सैकड़ों कारों की लाइन लगी हुई थी, तो आज केवल 11 लोग शरीक हैं उनकी आरती में। मैं आरती के साथ साथ लिंक रोड पर पहुंच चुका। अगले मोड़ पर पंचकुया शमशान भूमि है। जब मैं आरती के साथ साथ लिंक रोड पार कर आया हूं, उसी के मोड़ आगे के मोड़ पर ही पंचकुचिया शमशान नजदीक है। कमलेश्वर बताते हैं जैसे आरती मोड़ पर घूमते आए, लोगों की भीड़ कारों की कतार मुझे दिखाई देने लगी। जैसे लिंक रोड से मैंने साइड मोड़ दिया तो देखा पंचकुचिया शमशान के सामने बहुत से भीड़ है, बहुत से कारें गाड़ियां हैं, कारों की कतार मुझे दिखाई देने लगी। कतारें लाइन, कारों की लाइन खड़ी हुई है, बहुत से लोग दिखाई दी, कुछ स्कूटर भी खड़े हैं, औरतों की भीड़ एक तरफ खड़ी है, कुछ टू व्हीलर गाड़ियां हैं, कुछ फोर व्हीलर्स गाड़ियां हैं, और कुछ पुरुष हैं, कुछ स्त्रियां हैं एक तरफ खड़ी हुई दिखाई दे। उनकी बातों की ऊंची ऊंची दुनिया सुनाई पड़ रही है। औरतें बातें करती हुई दृश्य, उनकी आवाज मेरे कानों पर गूंजने लगी। खड़े होने में मैं वही लचका जो कॉन्ट प्लेस में दिखाई पड़ती है, नॉट प्लेस के अंदर दिखाई पड़ती है। मैंने खड़े होकर देखा, सभी के जुड़ों की स्टाइल अलग अलग है। औरतों की जुड़ों की स्टाइल हर औरत की अलग अलग दिखाई देती हैं। और बात करती हुई औरतों लाल लाल ऊन, सफेद दांत चमक रही हैं। मैंने देखा जैसे अलग अलग उनकी स्टाइल की जुड़े हैं। मर्दों की भीड़ में सिगरेट का धुआं उठ उठ कर कोहरे में धुल जा रहा है। तो देखिए अलग अलग स्टाइल की जुड़े हैं स्त्रियां की, और हर जो पुरुष के भीड़ों में सिगरेट पी रहे हैं वो धुआं कोहरे के धुएं में लुप्त होने लगा है। और बातें करती हुई औरतों के लाल लाल ऊंट, जो हर औरत लिपस्टिक लगा ली हुई है और सफेद सफेद दांते चमक रहे हैं, उनकी आंखों में एक गुरूर है। कहते हुए कमलेश्वर जी बताते हैं उनकी आंखों में गुरूर दिखाई देने लगा है। तो देखिए छात्रों, आज की कक्षा में आपने देखा किस प्रकार ये चार लोगों ने सरदार जी, मिसेज वासवानी, मिस्टर वासवानी, अतुल मवानी में टैक्सी में बैठ कर चले जाते हैं, लेकिन दीवान चंद के बेटे से मेरी खास पहचान है, मुलाकात है। तो बीते वक्त में मैंने उनकी बेटी की शादी में भी मैंने शरीक हुआ था, क्या दीवान चंद की आरती में मुझे शरीक नहीं होना है? और कोट पहन कर, जूते पहन कर कमलेश्वर जी भी शरीक होते हैं। तो लिंक रोड से जब मोड़ते हैं तो देखते हैं सैकड़ों कारें, टू व्हीलर गाड़ियां, सैकड़ों लोग दिखाई देते हैं। जैसे स्त्रियां भी औरतें
और ऐसे नई नई जुड़ी के स्टाइल में, जैसे लाल लाल होंठे, सफेद दांतें, उनकी हंसी किलकारी की आवाज और पुरुषों ने सिगरेट का धुआं कोहरे के दोहे में लिप्त होता हुआ नजर दिखाई देता है। तो देखो छात्रों, किस प्रकार कमलेश्वर भी, जैसे सेठ दीवान चंद जो कोलबाग का, जो कल रात जैसे यूनियन हॉस्पिटल उनका देहांत हुआ है, सुबह 10 बजे उनकी आरती में जैसे आर्य समाज रोड पंचकुइया शमशान में अंतिम दाह के लिए सब लोग शरीक हुआ, दृश्य आज इस कक्षा में हमें दिखाई देता है। अगली की कक्षा में क्या होता है, कौन कौन लोग उसमें शरीक हुए हैं, तो निरंतरात्मक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मुझे अगली कक्षा तक, तब तक के लिए मुझे भी इजाजत दीजिए।